सब्सक्राइब कीजिए कैपिटल न्यूज पलामू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए पलामू की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए। पलामू जिला मुख्यालय मिदनगर में इनकम टैक्स की टीम ने पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर आर पी सिन्हा के आवास सहित ठिकानों पर छापेमारी की है। नोटबंदी के वक्त लाखों रुपए नकद निकालने वाले खबर के बाद पलामू के प्रसिद्ध चिकित्सक सह एड एजुकेशन ग्रुप के संचालक डॉक्टर आर पी सिन्हा के संपत्ति को आईटी ने खंगालना शुरू कर दिया है। आईटी अधिकारी संजीत राय के नेतृत्व में छापेमारी दल नावाटोली स्थित आवास क्लिनिक जांच घर एलिट पब्लिक स्कूल बीएड कॉलेज नर्सिंग कॉलेज में छापेमारी की है। पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर आर पी सिन्हा के संपत्ति पर आईटी की नजर पड़ने की सूचना से पलामू में खलबली मच गई है। बता दें कि नोटबंदी के वक्त नगद रुपए के कालेधन कुबेरों में डॉक्टर आर पी सिन्हा का भी नाम सामने आया था, जिन पर 18 से 20 लाख रुपए में गाड़ी खरीदने शोरूम का चक्कर लगाने की खबर तेजी से फैली थी। हालांकि आईटी की टीम ने मीडिया से तत्काल बात करने से इनकार करते हुए जांच करने में जुट गई है। पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर आर पी सिन्हा के पुत्र डॉक्टर रोशन सिन्हा की ओर से संचालित रुद्रा इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर में जरूरी कागजात वगैरह जब्त कर कर्मचारियों तक से बारी बारी से घनतापूर्वक जांच की जा रही है। कई शिक्षा एवं स्वास्थ्य संस्था के संचालक के रूप में कुछ साल पूर्व सामने आए पूर्व सिविल सर्जन को लेकर चर्चा का बाजार गर्म है।